subscribe and press the bell icon for latest update. गुजरात की जनता हार्दिक पटेल को समर्थन तो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग सत्ताधारी बीजेपी का साथ देते हुए उन पर एफआईआर कर रहा है। हार्दिक ने राजकोट रैली के लिए प्रशासन की अनुमति ले ली थी, बावजूद इसके चुनाव आयोग ने हार्दिक पटेल पर एफआईआर दर्ज की है। हार्दिक ने ट्वीट पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजकोट की सभा के बाद चुनाव कमीशन ने मुझ पर एफआईआर किया है। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक की लोकप्रियता उनकी रैलियों में जुटने वाली भारी भीड़ से लगाया जा सकता है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उन्हें भी निशाने पर ले रही है। इसके अलावा हार्दिक पटेल ने अपनी रैली को लेकर चुनाव आयोग पर भी तंज कसते हुए यह बयान दिया है कि विसावादर ब्लॉक में आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर विशाल जनसभा, चुनाव कमीशन कहता है कि हार्दिक की जनसभा में कितना खर्च हो रहा है उसका ध्यान रखा जा रहा है। चुनाव कमीशन को कहता हूँ कि मेरी जनसभा में नहीं बीजेपी की जनसभा में ध्यान रखें, करोड़ों का खर्च हो रहा है। SPN9 न्यूज़ की रिपोर्ट।